मैंने कहा था एक क्वीन, लेकिन अगर कहानी में दो क्वीन निकल आए तो क्या कहना, एक रफ्तार और ऊंचाई की। मैं जानना चाहता हूं कितनी ऊंचाई होती है राफेल की जब आप ऊपर होते हैं, और रफ्तार कितनी होती है। इससे पहले कि मैं मुंबई की रफ्तार की तरफ बढ़ूं, पहले मैं वो जानना चाहता हूं कि जो असल की रफ्तार और ऊंचाई है वो कितनी होती है। जो एक्चुअल हम उड़ पाते हैं वो 50,000 फीट तक जाते हैं। 50,000 फीट, थोड़ा सा लगा के आपने एक साथ बता दिया 50,000 फीट और रफ्तार। और जो हम सबसे ज्यादा तेज जा सकते हैं वो 1800 KMPH है। 1800 KMPH किलोमीटर्स, ओह माय गॉड, 1800 किलोमीटर। मतलब मैं ऐसे ऐसे नहीं कर पाएंगे, आपका राफेल निकल गया ऐसे देखते हैं और वो निकल जाता है। ओह, और आप से गुफ्तगू होगी आज, बातचीत आपसे भी, आप भी सवाल जरूर पूछेगा उनसे जो आपके जहन में आए। लेकिन कंगना, पहले आपसे शुरुआत करते हैं, और कई बातें हैं कि एक फिल्म आ रही है आपकी तेजस, बड़ी चर्चा है, उसमें एक कैरेक्टर है तेजस गिल, और आप जब वो हेलमेट लेके जब वॉक कर रही, तो मुझे बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था जब वो रेड कार्पेट से आ रही। पहले तो गुड आफ्टरनून एवरीवन, आप मुझे ना मैडम के सामने भी शर्मिंदा कर रहे हैं। हम लोग बस नाम के पायलट हैं, और ये हमारे जो देश के जो असली हीरोज हैं, जो हमारी सरहदों को सुरक्षित रख रहे हैं और दिन रात हमारी सुरक्षा में लगे हुए हैं, उनके सामने आप मुझे प्लीज़ तेजस के बारे में कोई क्वेश्चन मत पूछिएगा कि कितनी स्पीड पे वो आप उड़ाते हैं और कितनी स्पीड पे क्या करते हैं। देखिए, एक जो नकली गोली होती है ना, और असली गोली, उसका जो फ़र्क है ना, वही फ़र्क है अभी शिवांगी सिंह जी में और मुझ में। तो सारी टेक्निकलिटीज आप इनके सामने मुझसे प्लीज फाइटर पायलट की कुछ मत पूछिएगा। नहीं 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 नहीं, मैं आपसे तो कुछ और सवाल पूछूंगा। और अगर देखिए साहब, एक बात है, इन्होंने ही कहा है, मैंने कुछ नहीं कहा कि सवाल पूछिएगा, और अगर आप सोते रहे तो मैं बिल्कुल सवाल नहीं पूछूंगा। तो प्लीज मुझे बताइए कि आप जग रहे हैं। लेकिन सच है, कंगना फिल्म की बड़ी चर्चा, मैंने देखा उसका जो डायलॉग है, ओ क्या कमाल का डायलॉग जो आपने बोला है उसमें, शुरुआत में एकदम ओपन, वो जो उसका प्रमोशन, भारत को छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। अभी तो पूरा हो जाने दीजिए, ये डायलॉग बाजी वगैरह हम कर सकते हैं है। तो ये एक, भारत को छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, आई थिंक जो हमारे जो एक सोल्जर है, चाहे वो आर्मी से बिलोंग करे या नेवी से या एयरफोर्स से, तो एक उनकी एक आई थिंक एक ओड टू अ सोल्जर्स लाइफ है तेजस, वास्तविकता में, कि सारी उम्र वो युद्ध जाने की तैयारियां करते रहते हैं, और जब उनके लिए युद्ध का वक्त आता है तो क्या उनकी भावनाएं होती हैं, किस कदर किस बहादुरी से वो देश के लिए लड़ मरते हैं। तो आई थिंक इस ये जो है, ये सेंटिमेंट हर इंडियन से रेजोनेट करेगा। और हमारे जो प्रोड्यूसर हैं रॉनी स्क्रूवाला जी, उन्होंने उससे पहले भी उरी फिल्म बनाई है, वो भी काफ़ी बड़े देशभक्त हैं। तो ये हम सब देशभक्तों ने मिलके, एक हमारी तरफ से एक ओड है ये, जो हमारे डिफेंस फोर्सेज हैं। बिल्कुल, मैं देशभक्त पे ही आऊँगा, मैं बिल्कुल वही सवाल रखूँगा आपसे। लेकिन मैं एक सवाल आपसे जानना चाहता हूँ, आप अभी कुछ दिन, जैसे ही जिक्र कर रही थी ना आप, कुछ दिन पहले की बात है, वो चीन से टेंशन जरा एक्सकलेट हो गया, मैं लेह में था उस वक्त, एक्सकलेट हो गए, और आप पता चला राफेल ने पहली बार उड़ान भरी वहाँ पे। तो उड़ान भरते समय मैंने किसी माउंटेनियरिंग से कि जब आप माउंट एवरेस्ट पे पहुँचे, आपने वो फतेह की और आपने फ्लैग लगाया, तो क्या दिमाग में था, मैं वही जानना चाहता हूँ, उस वक्त आपके जहन में क्या था? जब हम फ्लाई करते हैं तो जब ये सिचुएशन हुआ उस टाइम पे, बहुत ही, अगर मैं फ्रैंक होके बोलूँ तो मैंने सब कुछ रिवाइज़ कर लिया जो मुझे सिखाया गया था अपनी ट्रेनिंग में, कि हाउ टू फाइट, व्हाट टू डू, अगर एट दिस मोमेंट अगर कुछ हुआ तो मुझे क्या करना चाहिए। आई थिंक एज अ पायलट मेरे दिमाग में वही रहता है, बट ऑन ग्राउंड मुझे लगता है कि शायद मेरी जितनी भी ट्रेनिंग है वो सफल हो जाएगी आज अगर कुछ हुआ तो, बट खुदा ना खास्ता नहीं होना चाहिए, तब तक नहीं है। और जितनी आर्मी का तो रूल है, जितनी अच्छी ट्रेनिंग उतनी अच्छा कमाल, और मैं वही बात कर रहा हूँ। लेकिन आपने जब ये फिल्म करी तो लोगों ने कहा कि आपकी पर्सनालिटी से बिल्कुल एक फाइटर वाली जो भूमिका है ना आपकी, वो पर्सनल जिंदगी में भी और आसपास वो दिखती है, तो आप फाइटर हैं सच में।
आई थिंक वो एक एस्पेक्ट है जो मैं कहूँगी कि मैम में और मुझ में सेम है, कि हम लोगों की फाइटिंग स्पिरिट और देश के लिए कुछ करने का जज्बा, देश के लिए लड़ने मरने का जज्बा वो मुझ में भी है. तो इस करके मुझ ऐसे कैरेक्टर्स मुझसे ज़्यादा रेजोनेट करते हैं, मैं ज़्यादा आइडेंटिफाई कर पाती हूँ इस कैरेक्टर से. वो जो डायलॉग था ना आपका कि भारत किसी को छेड़ता नहीं, अगर अगर कोई भारत को छेड़े तो भारत उसे छोड़ता नहीं, प्रधानमंत्री ने ये बोला था. ये मेरी टीम से आपको पूछना पड़ेगा, लेकिन ऑफ कोर्स जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उनका जो उनकी जो देशभक्ति है, उनके जो संस्कार हैं देश के लिए, उनके उनकी जो भावनाएं हैं वो सबके लिए प्रेरणात्मक हैं, हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत हैं. और आज जिस तरह से वो चाहे सर्जिकल स्ट्राइक्स हों, चाहे फ्रंट फुट पे किसी भी एनिमी को, पाकिस्तान को, चीन को जवाब देना हो, ये नया भारत का जो दौर है, जो उरी में भी बताया गया था कि ये नया भारत है, ये घर में घुस के मारेगा, तो वो भी मुझे लगता है ये अमृतकाल का ही दौर है. तो उनसे प्रेरणा सभी लेते हैं, हम डेफिनेटली उनसे प्रेरणा लेते हैं. और ये नया भारत है घर में घुस कर मारेगा, और जब इस पे लोग सवाल उठा लेते हैं तब आपको बहुत गुस्सा आता है, तब तो आप ट्विटर उठा लेती हैं, वही आपका गांडीव है. आप तुरंत गांडीव उठाती हैं, अपना ट्विटर उठाती हैं और तुरंत जवाब देती हैं, क्योंकि जैसे ही कहते हैं ना भारत, ये नया भारत है, नया भारत सोचता हुआ भारत है, और ये तुरंत जवाब देता है. देखिए हमें आजकल इस दौर में आई थिंक जो महिला सशक्तिकरण का जो दौर है, तो डेफिनेटली कुछ लोगों को आपत्ति होती है कि क्यों महिलाएं जो है इस तरह से बहस करती हैं या जवाब देती हैं, लेकिन उसी तरह से बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो इनकरेज करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे लिए भी प्रेरणा का स्रोत है. तो मुझे लगता है दिस इज़ ये भी नया भारत है, यहाँ की जो लड़कियाँ हैं वो लड़कों से कम नहीं हैं. अच्छा ये जो आपका देश प्रेम है, ये राष्ट्रवाद है, मैं देख रहा था आपकी ट्विटर वॉल देख रहा था, उसमें तमाम सारी चीज़ें थी. ये लोग कहते हैं कि ये आपका राष्ट्रवाद ये जो है वो कुछ फ़र्क है, मुख्तलिफ है दूसरे वाले से, जिसमें बैलेंस है, बैलेंस होना चाहिए, वो ये कहते हैं. आपका राष्ट्रवाद कुछ अलग है, ऐसा देखती है या कि नहीं ये बेकार की बात है, राष्ट्रवाद तो राष्ट्रवाद होता है. देखिए मैं इतनी समझदार नहीं हूँ, मुझे सिर्फ एक बात समझ आती है कि दुनिया में दो टाइप के लोग होते हैं, वो जो अपने देश के लिए उसको प्रायोरिटी रख के चलते हैं, और एक उस टाइप के होते हैं जिनकी प्रायोरिटी या तो अपना रिलीजन या अपने यू नो लाइफ या अपनी सेक्सुअलिटी या अपनी फैशन या अपनी ये सब, मतलब उनकी एक लिस्ट होती है प्रायोरिटीज़ की. और मुझे नहीं लगता कि दुनिया में हिंदू मुसलमान होते हैं या सिख या ईसाई होते हैं या जूज़ या क्रिश्चियंस होते हैं, मुझे लगता है दुनिया में या तो देशभक्त होते हैं या जो देशभक्त नहीं होते हैं, बस या तो दो ही लोग हैं, या तो देशभक्त होते हैं. मैं बहुत ही एक साधारण सोच रखने वाली हूँ, मेरी सोच बहुत साधारण है, तो मेरे लिए दुनिया में दो ही टाइप के लोग हैं. ये जो बातें बनाते हैं ना, बैलेंस बनाओ, ये करो, वो करो, उन लोगों के पास लंबा लिस्ट है. मिसाल के तौर पे सेकुलर होना, हाँ ये लोग बातें बनाते हैं ना, घुमाते हैं ये लोग, सेकुलर होना, अगर देश पे अटैक हो जाए तो एक थप्पड़ एक गाल पे पड़े तो दूसरा थप्पड़ भी दे, गाल भी दे दो. वो तो गांधी जी ने कहा था, नहीं ये वो तब तक कह रहे हैं, वो तब तक कह रहे हैं जब तक पड़ोसी के गाल को थप्पड़ पड़ रहा है. जब अपने गाल पे थप्पड़ पड़ेगा तो वो नेता बोस के फिर वो तक में सुनाएंगे कि मेरे घर की चीज़ें अब लेके जा रहे हैं, मेरी बहू बेटियों को लेके जा रहे हैं, तो अब वो लोग हिंसा करेंगे. तो ये दोगले लोग हैं. जब तक पड़ोसी के साथ ऐसा हो रहा है, जब तक सरहदों पे सैनिकों का खून बह रहा है, तब तक वो इस तरह की बातें करते हैं कि अहिंसा परमो धर्म, तब तक वो इस तरह की बातें करते हैं कि हम लोग जो है वो चाहे पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, इनके जो सिविलियंस हैं इनकी ये तो बड़े प्यार करते हैं भारत को, इस तरह के वो आपको डिफरेंट कई चीज़ें बताएंगे और आपको गिल्ट फील कराएंगे कि आप में जो है, जब दूसरा देश आपको दुश्मनी कर रहा है आपसे, आप में जब दुश्मनी की भावना आती है उनसे लड़ने की, जो कि आपका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, हर इंसान में होना चाहिए और होता ही है, अगर आपको आप उसको मेंटल स्ट्रक्चर से दबाएंगे नहीं, मेंटली उसको सप्रेस नहीं करेंगे, तो एक ऑर्गेनिक और नेचुरल प्रिमिटिव टेंडेंसी ऑफ अ ह्यूमन इज टू सर्वाइव. और धर्म भी कहता है अपने प्राणों की रक्षा करना आपका सबसे बड़ा धर्म है, ये धर्म कहता है. बिल्कुल. तो जब भी कोई इंसान आपको ये एनो तैनो करते हैं ना,
तो उनका मतलब यही होता है, एक तो एसेंशियली कावर्ड्स होते हैं नंबर वन, नंबर टू एसेंशियली वो सेल्फिश होते हैं. जब तक दूसरे की इज्जत लुट रही है, दूसरे की बहन बेटियां मर रही हैं, तब तक वो आपको लेक्चर देंगे. और नंबर थ्री वो किसी के नहीं होते, ना वो अपने देश के होते हैं जिसकी मिट्टी का वो खाते हैं, ना वो मातृ ऋण समझते हैं, ना मातृभूमि का ऋण समझते हैं, ना पित्र, ना वो किसी के दोस्त होते हैं, वो किसी के भी नहीं होते हैं. मुझे मालूम है कि आपसे मुझे सवाल पूछना है, लेकिन इन्होंने जहां पे सवाल खड़े कर दिए ना, वहां पे मुझे इन्हीं से सवाल पूछना पड़ेगा. तो यानी पानी पीने के ही बात पूछेंगे. वो जो सवाल पूछते हैं स्ट्राइक पे, एयर स्ट्राइक पे, वही लोग जिनकी तरफ इशारा कर रही हैं आप ना इतनी देर से. मैं इशारा नहीं कर रही, मैं सीधा बोल रही हूँ, इसमें इशारे वाले की बात अब रही नहीं. यही तो कंगना तो यही है ना, ये वाइटर है, बोले इशारा नहीं कर रही, मैं सही बोल रही हूँ. हाँ जी सर, हमें यही इसी बात का दुख है, इसी बात का जो है कष्ट है कि जो हमारे सैनिक जब सरहदों पे लड़ते हैं तो हमारा सैनिक पूछते हैं, मैं भी टीवी पे डिबेट एक दो बार जब मैंने देखी तो वो पूछते हैं कि जो बॉलीवुड है ये अपनी दोस्ती निभा रहा है, अपना प्यार, अपना आर्टिस्ट का जो एक एक प्यार है वो पाकिस्तान को दिखा रहा है, चाइना को दिखा रहा है. क्रिकेट जो है वो गले लग रहे हैं, क्रिकेटर्स जो हैं उनके गले लग रहे हैं, दोस्त बन रहे हैं. तो क्या मेरी सिर्फ दुश्मनी है क्या, और पूरे भारत की किसी की दुश्मनी नहीं है क्या? तो पाकिस्तान मैचेस नहीं होने चाहिए. इसी के करके, इसी चीज को लेके हम लोगों ने ये फिल्म बनाई है कॉल्ड तेजस, कि क्या एक सैनिक की भावना होती है जब वो सरहदों पे रुकता है, तो उसका जो मनोबल होता है कैसे, जो भारतीय है वो कैसे मनोबल गिरता है उस सैनिक का, जब आप पीछे से ऐसी बातें करते हैं, आप नेशनल एंथम पे खड़े नहीं होना चाहते, आप जो है वो जब हमारे सोल्जर्स वहाँ पे बहादुरी से लड़ रहे हैं, आप उनकी जो शौर्य है, उनकी जो वीरता है, आप उस पर क्वेश्चन करते हैं कि जो स्ट्राइक तो हुई नहीं, वो भग लिए वहाँ से, आप अपशब्द उनके लिए यूज़ करते हैं कि वो जो हैं वो वहाँ पे पिटे हैं, उनकी ये दुर्दशा हुई है. इस तरह की बातें करने से पहले कितनी गैर जिम्मेदार ये बातें होती हैं, उसी उन्हीं बातों को दर्शाती हुई ये फिल्म है तेजस. और क्यों ये महत्वपूर्ण है, ये आपको 27 अक्टूबर को आई थिंक जरूर हॉल में जाना चाहिए, तेजस को जरूर देखना चाहिए और फिर बात बनेगी. लेकिन सवाल आपके लगातार हैं, तो सवाल ये उठता है कि क्या फिर अमन, मैचेस, फिल्म, कलाकार इधर से सरहद से उधर या उधर से इधर नहीं आने चाहिए? जब भी हमारे हमारे डिफेंस लाइंस पे हमारे जो सोल्जर्स हैं उनको कतई भी परेशानी अगर वो लोग कर रहे हैं, कतई भी, हम लोगों को यहाँ पे उनको हर तरीके से बॉयकॉट कर देना चाहिए, चाहे वो उनकी वस्तुएं हों, चाहे वो उनकी इकोनॉमी को, क्योंकि उनकी उनका जो बंदे हैं जिनको आप चीज़ें खरीद रहे हैं वो टैक्स से, गवर्नमेंट जो है, पाकिस्तानियों को तो कोई और ही भेजते हैं वेपन्स, बट यूजुअली उस टैक्स से जो है वो वेपन खरीदते हैं जिससे हमारे हमारे घर के जो है वो बच्चे हैं उनका खून वहाँ पे बहता है, हमारी सेना वीक होती है. तो ये माइक्रो लेवल पे जो है इस चीज़ की आपको वैल्यू होनी चाहिए और इतनी थिंकिंग होनी चाहिए. किसी के बताने की या बोलने की बात नहीं है कि टिकटॉक बैन करो या ऐसी बातें मत करो या इरिस्पॉन्सिबल बात मत करो, बिकॉज ये सब बातें हमारे सैनिकों के पास पहुंचती है. जब अभी तो क्रिकेट मैच होगा, सारी पूरे दुनिया के लोग उसको देखने के लिए जुटेंगे, पूरी दुनिया उसको देखेगी, और उस समय तो सब भूल जाते हैं, सिर्फ मैच ध्यान में रहता है. आई थिंक अभी पाकिस्तान की सरहदों पर जो है अभी एक तरह से आई डोंट सी इज देयर एनी कॉन्फ्लिक्ट राइट नाउ गोइंग ऑन, आई एम नॉट श्योर. तो ये तो अच्छा है ना कि अगर ना हो, न्यूट्रल है. हाँ, वही मैं कह रही हूँ कि इस दौरान अगर मैचेस हो रहे हैं, आई डोंट सी एनी हार्म. सहूलियत के साथ हो सकता है. यस क्योंकि अगर इफ दे बिहेव देन दे शुड आल्सो बी अप्रिशिएटेड फॉर देयर एक्टिविटीज, क्योंकि पाकिस्तान तो एक टेररिज्म का गढ़ है. अगर वो टेररिस्ट को किसी तरह पनाह से देता है, पनाह या उनको डिस्करेज करे कि ऐसा मत करो, हमारी जो इकोनॉमी है वो डाउन हो रही है या हमारी बदनामी हो रही है या हमें प्रेशर पड़ रहा है, देन वी कैन इनकरेज देम विद प्लेइंग सम काइंड ऑफ मैचेस और थिंग्स लाइक दैट. ये तो कोई डिप्लोमेसी है, मुझे इसका कुछ इतना पता नहीं है, बट मुझे इतना पता है कि जैसे ही हमारी सीमाओं पे टेंशन बढ़ता है हर एक नागरिक को, मैं तो यहाँ तक मैंने बहुत पहले कहा था कि हम जो भी जितने भी एक तो लेजी लोग और नंबर टू गैर जिम्मेदार लोग हैं, वो सब से छुटकारा मिल जाएगा अगर हर बच्चे को
ग्रेजुएशन या उसके बाद में एक साल की मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी होनी चाहिए। जब वो कहती है ना मिलिट्री ट्रेनिंग, तो इसका मतलब ये हुआ कि डिसिप्लिन, लाइफ में डिसिप्लिन। यस, जस्ट फॉर द लाइफ डिसिप्लिन एंड टू अंडरस्टैंड। अब आप देखिए इसराइल में जो हो रहा है, जिस तरह की वहाँ पे हर एक बंदा जो है वहाँ पे मिलिट्री ट्रेन्ड है, तो क्या उनको देश के और भारतीयता के या दुनिया दो तरफ बटी हुई नजर आ रही है, कुछ हमास की तरफ कुछ इसराइल की तरफ। देखिए भारत का जो स्टांस है वो हमेशा ह्यूमैनिटी की तरफ ही रहा हुआ है। अलीगढ़ में कुछ लोगों ने मार्च भी निकाला हमास, वो तो मैंने आपको कहा हुआ है कि जो लोग इस तरह से दिखते हैं इस देश में रह के जो है इस तरह की गतिविधियां करते हैं, वो आप भूल जाइए कि अगर वो हमास में भी रहते होते ना तो वहां भी वो लोग गद्दारी होते। वो किसी के नहीं है, वो अपने माँ बाप के नहीं है, that is the fundamental characteristic of their character. अगर आप वफादार हैं तो आप, अगर मैं पाकिस्तानी मिलिट्री में होती तो क्या मैं उनके लिए वफादार नहीं होती? खुद सोचिए, आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, पता नहीं मेरी इतनी हैसियत तो नहीं है कितनी बार इम्तिहान लेंगी आप, लेकिन अगर मैं पाकिस्तान में होती तो क्या मैं उनके लिए वफादार नहीं होती? बिल्कुल होते, डेफिनेटली। मैं तो यहाँ भी है वो तो मेरा कैरेक्टर है ना, आप वो समझिए। आपने एक फाइटर से स्ट्राइक करा दिया और ऐसे सवाल कंटिन्यू करते रहेंगे तो स्ट्राइक ही मिलता रहेगा आपको। शिवांगी मैं सच में आप मानेंगे ना, वो लोग वहां पे होते वो वहां पे गद्दारी करते। लेकिन मैं शिवांगी आपके पास ही आ गया। शिवांगी आपने कहा कि परफेक्ट है ना ये मैस्कट, बिल्कुल एकदम जो जज्बे से, राष्ट्र से, इंस्पायरिंग सारी चीजों से। और ये लगता है आपको भी, मुझे मालूम है आप फ्लाइंग ऑफिसर हैं, बहुत सारी चीजों में समझ के बोलना है, लेकिन फ्रॉम योर हार्ट क्या लगता है? मैं आपके दिल के ऊपर ही छोड़ता हूँ आपको, जब ऐसी स्थितियाँ परिस्थितियाँ लगती हैं तो क्या एक जज्बा क्या होता है एक सैनिक का? हम जब से हमने ट्रेनिंग स्टार्ट करी, हम एंटर हुए, तब से हमें एक ही चीज़ सिखाया जाता है, विच इज़ दैट जज्बा टू फाइट, टू बी अ फाइटर। एंड कोई भी परिस्थिति हो हमारे लिए, हम हमेशा उसको उसी नज़रिए से देखते हैं कि कैसे उस चीज़ को हम सॉल्व कर सकते हैं, या कैसे, जैसे कि स्ट्राइक बहुत कॉमन चीज़ है, अब सबको पता है कि एक स्ट्राइक होती है, तो हम हमेशा उसी चीज़ के लिए रेडी रहते हैं, चाहे वो ट्रेनिंग हो, चाहे हम ऑपरेशनली एम्प्लॉयड हो, दैट इज वही है जो हमारे दिमाग में हमेशा चलता रहता है। कंगना, आपने एक शब्द इस्तेमाल कर दिया, लोगों ने मुझे बोल दिया कि गद्दार शब्द जो है आपने बोल दिया, और ये गद्दार शब्द जो है क्यों बोला आपने? हम तो क्या कितनी बार मेरा इम्तहान लेंगे आप, हर बार आप पूछते रहेंगे कि हमसे कि आप बताइए कि कितने देशभक्त हैं, कितने राष्ट्रभक्त हैं, ये क्या मेरे लिए सारे सवाल हैं? देखिए मुझे तो नहीं लगता कि किसी को भी, किसी से भी ये क्वेश्चन करने का हक है। ये देश है, आपको जिस तरह से रहना है उस तरह से रहिए, लेकिन एक इंसान का जो है कॉन्डक्ट, वो बहुत ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, जिनको एक ज़िंदगी में, चाहे वो अपकमिंग हो, यूथ हो, इम्प्रेशनेबल माइंड्स हो, तो हमारा ओपनली इनके प्रोज एंड कॉन्स बताना, ये हमारा फंडामेंटल हक है। ठीक है, मैं उन लोगों को नहीं बदलना चाहती जो, जैसे आपने कहा, जो देश के खिलाफ मोर्चे करते हैं, जब उन्नति करने लगता है तो क्वेश्चन कर, मैं उनको नहीं बदलना चाहती। मैं वो लोग जो आज इस थ्रेशहोल्ड पे हैं कि दे डोंट नो वेयर टू गो, मैं उनके लिए ये बता रही हूँ कि दिस इज़ माई पर्सपेक्टिव ऑफ दिस सिचुएशन। एंड उसी तरह से एक डायलॉग कंटिन्यू होना चाहिए एक हेल्थी सोसाइटी में। जैसे इंडिया वर्सेस भारत की बात होने लगी, तो ये बताने का हक है सबको कि क्लियर करना चाहिए इंडिया क्या, भारत क्या, और इंडिया ही क्यों नहीं, तो भारत क्यों? वो भी आप देखिए, किसी पे कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको इंडिया ही बोलना है, you know, आपकी खुद की मर्जी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमारी जो भारत की जो संस्कृति है, जो सिविलाइजेशन है, वो इतनी ओल्ड सिविलाइजेशन है। एक टाइम था जब मैं जो वेस्टर्न संस्कृति है उससे मैं खुद बहुत प्रभावित थी। वो वक्त था जब भारत जो है वो बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा था, और पूरे देश में एक कॉमनवेल्थ की गेम्स हुई थी, एक मतलब स्लमडॉग मिलियनेयर जैसी फिल्में आती थी, तो एक कहीं ना कहीं भारत के में शौचालय की तरह लोग उसको स्लमडॉग मिलियनेयर जैसे फिल्म से एक ऐसा इंप्रेशन बन गया था कि शौचालय जैसा, हाँ, वो फिल्म में भारत को एक शौचालय ही दिखाया हुआ है पूरी, और वो
कॉमनवेल्थ गेम्स में फेल, हर चीज़ पे भारत फेल 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 होता रहता था. तो उस टाइम पे हमारे रोल मॉडल जो है वो वेस्टर्न बन गए थे. तो उस टाइम पे हमें बड़ा अच्छा लगता था कि ये इंडिया नाम बहुत अच्छा लगता है. आज जब एक भारतीय में अपनी भारतीयता के लिए एक गर्व आया हुआ है, हम लोग जो हैं आज पूरा पूरा वर्ल्ड हमारे जो ऑर्गेनिक फैब्रिक्स हो गए, या हमारी जो संस्कृति है, जो हमारी पुरानी इमारतें हैं, या जो भारत का एक, चाहे श्रीमद् भगवद गीता के में क्वांटम फिजिक्स हो, आज भी देखिए वो ओपनहाइमर फिल्म में श्रीमद् भगवद गीता से इंस्पायर होके उन्होंने एटॉमिक पावर को हार्नेस किया. इतना अच्छा बोल रही हैं आप, ये मुझे बताइए कि पार्लियामेंट तो 24 वाला नहीं. तो दोस्तों मैं वही कंप्लीट कर रही हूँ कि जो लोग भारत को एज अ भारत आइडेंटिफाई करते हैं, तो मैंने कॉन्शियस डिसीजन बनाया कि मैं सिर्फ भारत के ही फैब्रिक्स पहनूंगी. तो ये मेरा कॉन्शियस डिसीजन है. लेकिन फिर आप मणिपुर पे नहीं बोली, ये तो लोग पूछते हैं आपसे कि आप फिर मणिपुर पे क्यों नहीं बोली आप. मैंने क्यों नहीं बोला मणिपुर में? ऑफकोर्स मैंने उसमें वहाँ पे जो मणिपुर की महिलाओं के साथ हुआ, तो फिर अगर देश के बारे में राष्ट्रवाद है, भक्ति है, तो फिर मणिपुर क्यों नहीं? मेरी फ्रेंड्स मणिपुर से है और मैंने ओपनली उसको, उस वायलेंस को कंडेम किया. एंड उसके बाद में मैं वहाँ की कम्युनिटीज़ के लिए जब बोल रही थी, तो उनके मुझे मैसेज आए कि आप, क्योंकि वो जानते हैं, वो मेरी फ्रेंड्स हैं, कि उनकी फैमिली थोड़ी खतरे में हो सकती है. तो उन्होंने मुझे मना किया, कि टेक डाउन करने के लिए कहा. बट मैंने काफ़ी उस चीज़ को कंडेम किया था. 24 में या हिमाचल के चुनाव में कहाँ नज़र आएंगी आप, पार्लियामेंट वाले में या विधानसभा में? सारे लोग जाना चाहते हैं, ताली बजा के बताइए जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते. और ये लास्ट सवाल है, एंकर यहाँ आ गई हैं जी, बताइए. देखिए, जैसी आप हैं ईमानदार वाली, वैसे ईमानदारी से. इतनी ईमानदारी पॉलिटिक्स में चलती है क्या? तो सब देखना चाहते हैं, आपसे पूछना चाहते हैं बार बार, और ये मिलियन डॉलर्स का सवाल है, सब जानना चाहते हैं. देखिए किसी ने मुझे बहुत अच्छा एक बोला कि जो फिल्म इंडस्ट्री है उसमें जो है वो फेस पे सब दोस्त है, पीछे से सब एक दूसरे की बुराई करते, सब दुश्मन है. लेकिन पॉलिटिक्स में सामने सब दुश्मन है, पीछे से सब दोस्त है. तो चुनना क्या है आपको? तो मेरा तो वही हो गया ना कि आउट ऑफ द fry pan into the fire. तो चुनेंगे क्या ये finally? So, well, जैसा मैंने कहा कि हमारी फिल्मों से कुछ ज़्यादा, especially south में तो फिर भी बहुत ज़्यादा लोग connected रहे हैं politics से. हमारी फिल्मों में इतनी ज़्यादा, especially north में किसी को कामयाबी नहीं मिली फिल्मों से जो है politics में. But I'll see how this goes. अगर मुझे offer आता है then I will definitely accept. बस आप लोग अंदाज़ा लगाइए बहुत जल्दी.